Hello friends, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. First of all, I welcome you all to the YouTube channel of RSW School. And in this video, I will explain the active and passive voice. Students, active and passive voice समझने से पहले आपको voice of a verb समझना होगा. What does voice of verb indicate or mean? It expresses whether the subject in the sentence has performed or received the action. तो voice of verb क्या कहता है कि सेंटेंस में किसी कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा रहा है या उसके द्वारा काम करवाया जा गया है. ठीक है, तो मींस वॉइस ऑफ वर्ब इज सेइंग दैट इट एक्सप्रेसेस वेदर द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस हैज बीन डूइंग द एक्शन और इज रिसीविंग द एक्शन. वॉइसेस दो टाइप्स की होती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ voices in the sentence or there are two types of voice of a verb in a sentence. They are known as active voice and passive voice. Active voice और passive voice दो तरह की हमारी voice होती है. हमारे दो type के sentences होते हैं, active sentence and passive sentence. तो in active voice sentence an action is performing the action. Sorry, a subject is performing the action. Active voice में क्या है कि जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो काम कर रहा होगा. मींस व्हेन एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ब. मींस जो एक्शन है वो जो परफॉर्म किया जा रहा होगा वो सब्जेक्ट के द्वारा ही होगा. मींस हियर इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. तो मींस जो वर्ब करने वाला कौन होगा, करता. जैसे हम एग्जांपल लें, हैंस ले एग्स जो है वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है. ठीक है, अब इसमें क्या चल रहा है कि कोई कर्ता के द्वारा कोई काम किया गया, कर्ता ने काम किया है. जैसे कि हैंस ले एग्स, मुर्गियां अंडे देती हैं. पैसिव वॉइस सेज दैट द एक्शन इज रिसीव्ड बाय the verb or the action which is expressed by the verb is received by the subject. So we can see that action, when the action is expressed by the verb is received by the subject is passive voice. Means जो कार्य है वो कर्ता के द्वारा किया गया. Means जैसे कि हमने example लिया था active में कि मुर्गियां अंडे देती हैं. जैसे कि active voice में क्या था कि जो करता था वो काम करता है या काम कर रहा है. तो पैसिव वॉइस में क्या होगा कि उसके द्वारा काम किया गया. तो पैसिव वॉइस में हम अगर सेंटेंस कन्वर्ट करें हैंस ले एग्स, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा पैसिव में, एग्स आर लेड बाय हैंस. मींस जो अंडे हैं वो मुर्गियों के द्वारा दिए जा रहे हैं. एक्टिव एंड पैसिव का कन्वर्जन बहुत ही इजी होता है अगर हम कुछ रूल्स रिमेंबर रखें या याद रखें. रूल्स फॉर एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब भी एक्टिव या पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसका ऑर्डर समझना है. मीन्स जो हम सेंटेंस में ऑर्डरिंग कर रहे हैं वो हमें याद रखनी है. इन एक्टिव वॉइस subject is placed first, then verb, and then the object is placed. Means active voice में क्या है, subject जो है वो पहले रखा जा रहा है, then verb and last में object. क्योंकि यहाँ पर काम करने वाला कौन है, the work is done by who is doing the work, subject is doing the work. ठीक है, तो subject जो होगा उसको main importance देते हुए, main influence देते हुए उसको हम first put on करेंगे और ये बताएंगे कि वह काम करता है या वह काम करेगा. तो सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन इन एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट फर्स्ट पुट ऑन करेंगे, देन वर्ब जो कि बेस फॉर्म वर्ब होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे. पर पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आ जाती है. ऑब्जेक्ट जो होगी
वो फर्स्ट पुट ऑन की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के द्वारा रिसीव किया जा रहा होगा, जो वर्ब होगा जो वर्ब होगी जो एक्सप्रेस की कर रही होगी कोई एक्शन, तो वो सब्जेक्ट के थ्रू रिसीव की जा रही होगी। तो ऑब्जेक्ट देन वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट यूज होगा पैसिव में, ठीक है। तो हमें रूल वन एक्टिव से पैसिव कन्वर्टिंग करने के लिए पहले रूल ये मानना होगा, समझना होगा, लर्न करना होगा या रिमेम्बर रखना होगा कि पहले तो हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें सेंटेंस में, सब्जेक्ट क्या है, देन वर्ब एंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में यूज की जा रही होगी। और अगर दो ऑब्जेक्ट दिए जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप सिर्फ और सिर्फ मेन जो होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही यूज करेंगे। जैसे She is plucking a flower. She is plucking a flower. तो she is subject, is helping verb है. Plucking क्या है? आपका main verb है, base verb है. और a flower जो है object है. इसको हम passive में convert करेंगे तो a flower first of all place होगा passive में. A flower is being plucked by her. क्योंकि she क्या है? एक लड़की है, तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होगा वो क्या होगा? शी का हर। तो फूल उसके द्वारा तोड़ा जा रहा है। सेकेंड रूल इज इंटरचेंजिंग द ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट विद ईच अदर, कि हम सेंटेंस को किस तरह से जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन कर रहे हैं। तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हुए बहुत ही केयरफुली उनको अरेंज करना, जिससे कि जो सेंटेंस है वो एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज हो और उसका सही अर्थ निकले। रूल 3, इन पैसिव वॉइस समटाइम्स सब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड, कभी कभार पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो यूज नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क इज सोल्ड इन लीटर्स, दूध लीटर के भाव में बेचा जाता है। चेंज द फोर्थ रूल है चेंज द बेस वर्ब इन द एक्टिव इनटू पास्ट पार्टिसिपल, मींस जो जब हम एक्टिव का पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो बेस वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द सेंटेंस में, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब में सेंटेंस में चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में लिखा ले, ले क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल की जाएगी लेड। जैसे प्लकिंग है तो प्लक्ड हो जाएगा, ईट है तो ईटन हो जाएगा, ड्राइव है तो ड्रिवन हो जाएगा, ठीक है। तो हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही पैसिव में यूज करेंगे। फिफ्थ रूल इज कन्वर्जन ऑफ प्रोनाउन, कि जैसे अगर प्रोनाउन अगर आप यूज कर रहे हैं एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म में तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन किया जाता है, किसमें? पैसिव वॉइस में, जब वही सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा या वाइस वर्स, जैसे कि आप यूज करते हैं। तो ही का हिम में चेंज होता है, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, आई का मी बन जाता है, वी का अस और दे का देम। सिक्स्थ रूल इज यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इन पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे वो अकॉर्डिंग टू द टेंसेस यूज होंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस में इज एम आर यूज होगा किसमें? इंडेफिनेट में और कंटिन्यूअस फॉर्म में। परफेक्ट फॉर्म में हैज और हैव यूज होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो यूज होंगी, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव यूज होगा, और बीन भी लगाएंगे। पास्ट में सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर यूज होंगी हेल्पिंग वर्ब्स, और पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होगा विद बीइंग इन परफेक्ट, और बीइंग जो होगा वो कंटिन्यूअस में लगाया जाएगा। फ्यूचर में
विल और शैल फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरीज या मोडल्स यूज होंगे। ठीक है, तो हमें एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन में ये रूल्स याद रखने हैं, जिससे कि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो और आपका जो सेंटेंस है वो इजीली पैसिव में कन्वर्ट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इन द अपकमिंग वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू कन्वर्ट द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। एंड वन थिंग मोर that I have to tell you, that in passive voice we don't use perfect continuous forms. So I hope you must have understood about the topic. Thanks for watching this video. Have a nice day, friends.